अगर मैं आप लोगों से पूछूं अगर आप लोग भाई 25,000 रुपए में फोन लेने जा रहे हो तो भाई कौन सा लोगे, तो आप लोग भी कंफ्यूज जाओगे। बिकॉज ना हमारे पास मार्केट इस टाइम पर बड़ी अजीब हो गई है। नए नए फोन आते जा रहे हैं लेकिन ऐसे एक दो महीने पहले भी कुछ कुछ फोन से लॉन्च हुए हैं और कुछ कंपनीज ऐसी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, वो बोल रही भाई हम 25,000 रुपए में आपको ऐसी चीज दे देंगे जो कोई और नहीं दे सकता। तो यही चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने सोचा यार आप लोगों को थोड़ा सा बताया जाए, क्योंकि दो ऐसे फोन है जो मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं सोचता हूँ कि बेस्ट 5G फोन अंडर 25,000। तो एक तरफ था हमारे पास Motorola H50 फ्यूजन और दूसरे तरफ हमारे पास भाई ये OnePlus का Note CE4। अब ये दोनों फोन बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है। ये हमारे Motorola महाशय जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। Motorola ने बोला भाई हम आपको देंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें सारी की सारी एक बार में, और वो देते ही जा रहे हैं जब से साल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नॉट जो है भाई वो आ रहा है एक साल में एक बार, थोड़ा सा ये सेफ प्ले कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनका प्ले सेफ ना करें, हम इनका तगड़ा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को, और आप पहली बार चैनल को डेफिनेट लाइक करो तो जल्दी से आज भाई ऐसे सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज जल्दी 6 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है। और पहली चीज से स्टार्ट करेंगे वो प्राइसिंग है। अब देखो प्राइसिंग का क्या सीन है, दोनों ही फोनों का ना थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएंट है Motorola बेस 8 128G वाला, वो आपको मिल जाएगा 23,000 का। वहीं पे OnePlus मिलता है 25,000 रुपए का बेस वेरिएंट, जबकि आपको 25,000 रुपए में इस वाले Moto का 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला आ जाएगा। तो प्राइसिंग के अंदर आपको ये फर्क तो मिल ही जाता है। अब अगर बात करते हैं भाई, देखो फोन हमने मंगा लिया, अब आप समझ गए हो, तो भाई इधर बताओ डब्बों में क्या डिफरेंस है। देखो भाई दोनों ही फोन के डब्बे खाते पीते घर से आते हैं, स्लिम ट्रिम बिल्कुल नहीं है। Motorola के अंदर आपको भाई यहाँ पे प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग मिल जाती है, बट OnePlus के अंदर आपको कोई भी ऐसे प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग नहीं मिलती। बट अगर बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो आपको दोनों ही बॉक्सेस के अंदर काफी भरपूर कंटेंट मिल जाता है, तो आप टेंशन मत लेना, कवर भी आ रहा है साथ में इंक्लूड, बढ़िया। बॉक्स की कंटेंट वाइज तो बोलना चाहूंगा दोनों विजेता है। और चार्जर जो है Moto के अंदर 68W का मिल रहा है और OnePlus के अंदर हमारे 100W का मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा फर्क आता है। बट चलो इन सब चीजों को साइड करते हैं, क्योंकि चार्जिंग और उन सब चीजों की बाद में बात करेंगे। अब आते हैं हम दोनों ही फोनों की तरफ। तो ये रहे भाई इनका फर्स्ट लुक, एंड भाई साइड बाय साइड जब आप लोग देखोगे ना, वैसे है तो दोनों फोन काफी ज्यादा खूबसूरत, हाँ भाई बोलूंगा तो है ये बात सच। बट यहाँ पे ना एक चीज मैं नोटिस करी जो आपको लगेगा पहली बार जब आप हाथ में उठाओगे, OnePlus ना आपको बॉक्सियर डिजाइन देता है एंड थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई है थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा। वहीं पे अगर साइड से देखोगे तो आपको OnePlus भी थोड़ा मोटा लगेगा, और वो इसलिए क्योंकि Moto जो है ना वो भाई आपको कर्व दे रहा है, पीछे से भी कर्व जाता है, आगे से भी आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिलती है, जिस वजह से फ्रेम काफी पतला लगता है और ये ना फील अच्छी देता है हाथ में जब उठाते हो। और साथ ही में पीछे से वीगन लेदर यूज करा गया है जबकि OnePlus के अंदर प्लास्टिक है, तो इन हैंड फील डेफिनेटली भाई Motorola की ज्यादा बेटर है OnePlus के आगे। एनीवन Motorola हमारा हल्का भी है, लेकिन हाँ इसमें 500mAh बैटरी कम है OnePlus के मुकाबले, तो एंड में जाके बताऊंगा उससे क्या मेजर फर्क है। बट वैसे मैं सच बताऊं मेरे हिसाब से भाई Motorola यहाँ पे डिजाइन के मामले में विन ले जाता है, और इनके बॉक्स में एक अलग सी खुशबू भी डाल के दे रहे हैं, और जो आप जब सूंघोगे या फिर जब बॉक्स खोलोगे जब आपको पता चलेगा, मैं बता नहीं सकता, लेवेंडर वाली खुशबू आती है मस्त। एंड वहीं पे आप आते हैं सामने, तो देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा रूप बदलता है फोनों का, भले ही दोनों डिस्प्ले 6.7 इंच की, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि भाई Motorola के अंदर आपको 144Hz की डिस्प्ले मिलती है, OnePlus के अंदर 120Hz की डिस्प्ले मिलती है। Motorola के अंदर हमारे प्योर डिस्प्ले मिलती है जबकि OnePlus के अंदर हमारे OLED डिस्प्ले मिल जाती है, दोनों में आपको पंच होल कैमरा मिल जाता है। अब डिस्प्ले के अंदर एक चीज आप और नोटिस करोगे Motorola की बेहतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो साइड जो है इसकी कर्व्ड है, ठीक है, जिससे ये ज्यादा बेहतर लगता है और ज्यादा बढ़िया लगता है दिखने में, मेरे को पसंद है और इस बजट में प्रीमियम फील देता है। बाकी आप लोग बताओ कर्व स्क्रीन पसंद है फ्लैट स्क्रीन पसंद है। और अगर बात करूं एक और मेजर चीज की, वो ये था जब हमने ना दोनों ही फोनों के अंदर 4K वीडियो प्ले करी, HDR अगर हम प्ले करते हैं तो Motorola के अंदर HDR सपोर्ट नहीं है, बट वहीं पे OnePlus के अंदर HDR सपोर्ट है। लेकिन OnePlus में जब HDR हमने प्ले करा भाई, यहाँ पे OnePlus की डिस्प्ले या फिर कह सकते हो फोन लैग करने लग गया, वीडियो लैग करने लग गई, जो कि भाई हमारे पूरे एक्सपीरियंस को खराब कर रही थी। तो 4K HDR वीडियोस में लैग करती है जो हमें पता चला, आप लोग भी देख सकते हो इस बारे पूरे कंपैरिजन में। अब देखो कंटेंट वॉचिंग की बात जब हम लोग कर ही रहे हैं, तो एक चीज और आती है, वो है भाई हमारे ओवरऑल स्पीकर कैसे हैं। वैसे दोनों ही फोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, बट यहाँ पे Motorola हल्का सा आपको बेटर दे देता है, क्योंकि इसमें Dolby ऑडियो का सपोर्ट है, Dolby हेड ट्रैकिंग का सपोर्ट है और हाईडेक भी सपोर्ट करता है, वो आपको ज्यादा बेटर ऑडियो वहाँ पे मिल जाती है। बट यहाँ पे वाइब्रेशन फीडबैक की अगर बात करें, जो हमारे हैप्टिक्स होते हैं उसमें हमारा भाई यहाँ पे OnePlus आगे निकलता है, क्योंकि इसमें पूरी टकटक वाली मोटर है और Motorola के अंदर थोड़ी घी वाली मोटर, तो आपको फर्क आएगा, थोड़ा सा प्रीमियमनेस आती है यार मेरे को ऐसा लगता है, टकटक वाली मोटर तो मस्त लगता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और आता है, जब आप लोग आउटडोर लेके जाते हो ना, दोनों फोन की ब्राइटनेस में फर्क है। यहाँ पे Motorola आगे निकल जाता है क्योंकि 1600 nits की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे है, और OnePlus के अंदर आपको 1100 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, डेफिनेटली आपको ज्यादा ब्राइट मिलेगा। और 144Hz भी ना पता चलता है भाई नॉर्मली, अगर आप देखो इवन मैंने एक चीज और नोटिस करी, जेंशन इंपैक्ट ना हम लोग लाइक इसकी डाउनलोड स्क्रीन पे थे, Motorola जो था वो 90Hz पे चला था जबकि हमारा ये OnePlus वहाँ पे 60Hz पे चला था, तो यहाँ पे ये भी फर्क आया। प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट, तो OnePlus में पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन यूज करी गई है और Motorola के अंदर कॉर्निंग ग्लास 5 है। वैसे एक और चीज आती है भाई IP रेटिंग, अब भाई प्रोटेक्शन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो OnePlus हमारे को IP54 दे रहा है जबकि हमारा Motorola IP68 दे रहा है, मतलब आप इसे पानी में डाल सकते हो और हमारा ये जो फोन है आप लोग इसे पानी में नहीं डाल सकते, आप इसे बुछारे कर सकते हो। IP रेटिंग तो है, लेकिन आपको साथ ही में स्मार्ट वाटर टच मिलता है Motorola के अंदर, जिससे कि भाई आप आराम से टच कर पाओगे अगर फोन की डिस्प्ले पानी है तो।
तो ये फर्क है। अब देखो डिस्प्ले एंड सब चीजों की मैंने बात कर ली है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है परफॉर्मेंस। जब आप लोग 25,000 सेगमेंट देख लो, 30,000 देख लो, मतलब कितना भी सेगमेंट है कोई भी देख लो उठा के, है ना भाई, हमारे को परफॉर्मेंस ये फोन से ऐसी जो हमारा डेली काम अच्छा कर दे, बढ़िया चल जाए। और देखते तो वन प्लस के हमारे को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 और मोटो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। ठीक है, यहाँ पे फर्क आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जब हमने एंड्रॉइड रन किया तो मोटो का यहाँ पे कम आ रहा था, आपको साफ साफ दिख जाएगा। यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस वाइज वन प्लस आगे निकल रहा है, लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी, हमने ना भाई दोनों ही फोनों के अंदर सिमिलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, ठीक है, और सेम ही अकाउंट लॉग इन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो आप जो मोटोरोला है भाई वो आगे निकल रहा है वन प्लस से ऐप ओपनिंग स्पीड के अंदर। जबकि एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे, मोटोरोला के अंदर हमारे को यूएफएस 2.2 की स्टोरेज मिलती है और वन प्लस के अंदर यूएफएस 3.1 की स्टोरेज है। तो यहाँ पे भाई स्टोरेज वाइज भी बेटर है, बट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे मोटोरोला अच्छी करी है, जिस वजह से यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अच्छे से भाई पूरा ऐसे निचोड़ रहा है और आपको परफॉर्मेंस तगड़ी दे रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज ऐसे कोई दिक्कत मत लेना, एंड्रॉइड स्कोर्स पे हमेशा मत जाया करो, मेरे को तो भाई सही लगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इवन ज्यादा से हीट वीट भी नहीं करते, वार्म भी नहीं होते दोनों फोन, उस मामले में मस्त है। ठीक है, अभी वाली थ्योरी चेक करने के लिए मैंने थोड़ा और कुछ काम किया, हैवी एप्लीकेशन जब खोली तो भाई मोटोरोला के अंदर वो खुल रही थी, बट जब बात आती है ना भाई एक्चुअली में वन प्लस में अगर बेटर परफॉर्मेंस है तो वो कहां पर अच्छा निकल रहा है, तो वो चीज आती है जब आप लोग मल्टी कोर परफॉर्मेंस करोगे या फिर कुछ ज्यादा हैवी टास्क करोगे, जैसे कि भाई आती है बात वीडियो रेंडरिंग पे। ठीक है, वीडियो रेंडरिंग हो गई, आपकी रॉ फोटो एडिटिंग हो गई लाइट रूम पे, तो वहां पे भाई हमारा वन प्लस ज्यादा बेटर तरीके से फोटो रेंडर कर लेता है और वीडियो भी रेंडर कर लेता है ज्यादा तेजी से, तो परफॉर्मेंस का भी आपको पता चल गया। अब आती है बात भाई कैमरास की। अब देखो भाई 25,000 का सेगमेंट ऐसा मत समझना कि आपको बेस्ट कैमरास मिलेंगे, लेकिन मोटोरोला ने यहां पे सच में कुछ काम करा और वन प्लस भी पीछे नहीं है। वन प्लस के कैमरास भी अगर आप देखोगे तो काफी तगड़े हैं। अगर बात करें भाई वैसे नॉर्मली तो यहां पे 50 MP आपको दोनों में कैमरा मिल जाता है, कैमरा दोनों के अंदर 50 MP का मिलता है, लेकिन हमारे को मोटोरोला के अंदर एक नया सेंसर मिलता है जो कि लाइटिया 700C और वन प्लस के अंदर हमारे को 8 MP अल्ट्रावाइट मिलता है, जबकि मोटोरोला के अंदर 13 MP अल्ट्रावाइट मिलता है और इसका अल्ट्रावाइट मैक्रो का काम करता है। तो चलो यार चेक करने के लिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं, एनवायरनमेंट चेंज करते हैं और वो चेक करते हैं। तो यार अभी ना हम लोग लाइक वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, जो वन प्लस है ना इसकी फोटो और इसकी फोटो में एक बहुत मेजर डिफरेंस है भाई शार्पनेस के अंदर। मतलब हमारे मोटोरोला के अंदर ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो रहा है जबकि हमारे इसके अंदर इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली जो डायनेमिक रेंज है ना भाई इसी की बेटर आ रही है, मोटोरोला ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है भाई कैमरा वाइज। भाई एक मेजर चीज होती है दोनों फोनों के ना शटर का, ठीक है, यहाँ पे शटर आपको दिखाना चाहूंगा मैं, जैसे नॉर्मली मैं फोटो क्लिक करता हूँ, देखो तो वन प्लस का शटर थोड़ा फास्ट है, देखो ये देखो इसका फास्ट है और इसका थोड़ा सा डिले। सेल्फीज कैमरा भी फर्क है क्योंकि मोटोरोला में 32 MP कैमरा यूज करा गया और यहाँ पे वन प्लस में 16 MP कैमरा यूज करा गया है। एंड इवन वीडियो रिकॉर्डिंग में भी फर्क है क्योंकि यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है मोटोरोला और हमारा नॉर्मल फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है वन प्लस ओनली, तो ये एक मेजर फर्क आ जाएगा। तो कैमरा वाइज आप लोग बताना भाई आपको कैसी लगी फोटोज और कौन सा विजेता होता है, बट मुझे लगा कि मोटोरोला यहाँ पे अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से जीत हासिल कर ली है। अब देखो ये सारी चीजें ना सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, तो दोनों के अगर सॉफ्टवेयर को देखें तो काफी ज्यादा क्लीन आपको एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मिल जाता है, दोनों ही एंड्रॉइड 14 में बेस्ड है। बट यहाँ पे अगर आप लोग लॉन्जिविटी की बात करो कितना समय तक चलेंगे, तो हमारे 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे मोटोरोला के अंदर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे उसमें, और साथ ही में हमारे को 2 साल के मेजर अपडेट मिलेंगे वन प्लस में और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे उसमें, यहाँ पे फर्क आ जाता है ये भी, बट बस टाइमली अपडेट्स आ जाए भाई उसके तो ज्यादा अच्छा लगेगा यार देख के। और सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे ब्लोटवेयर्स नहीं है भाई, फालतू की एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, तो क्लीन एंड्रॉइड देने की भाई दोनों ही फोनों ने कोशिश करी है, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगा। बाकी आपको थोड़ा ज्यादा ही स्टॉक वाली फील चाहिए तो भाई मोटोरोला ज्यादा ही आपको स्टॉक देता है, वैसे लगा ये हेलो यूआई है जो काफी कंप्लीटली अलग है, बट स्टिल थोड़ी स्टॉक फील आज भी आती है उसमें। और 5G से शुरुआत करी थी हमने कि भाई 5G फोन है ये बेस्ट, तो यहाँ पे 15 5G बैंड हमारे मोटोरोला के अंदर और 7 5G बैंड हमारे नॉर्मल वन प्लस में। वैसे ऐसा कुछ दिक्कत मत सोचना कि भाई वन प्लस के अंदर 5G नहीं चलेगा, जो मिनिमम 5G बैंड हमारे यूज होते हैं इंडिया के अंदर वो सारे ही आपको दोनों फोन में मिल जाते हैं, जिससे 5G कैपेबिलिटीज टेंशन मतलब बढ़िया रहेगी। बाकी मोटो के अंदर NFC का भी सपोर्ट आता है। स्टार्टिंग में बात करते हैं कि भाई ये फोन थोड़ा हल्का है और वो इसलिए क्योंकि बैटरी कैपेसिटी अलग है, यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिलता है आपको मोटोरोला के अंदर और वन प्लस के अंदर 5500 mAh की बैटरी है। वैसे अगर आप बैटरी वाइज देखोगे तो वन प्लस बैटरी क्योंकि इसमें आपको 100 W का चार्जर मिल रहा है, मोटोरोला के अंदर 68 W का चार्जर है, तो यहाँ पे भाई आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा वन प्लस से, ये बात तो निश्चय है। तो सिर्फ से 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे भाई हमारा ये वन प्लस आगे निकला है, जबकि भाई मोटोरोला ने तो सारी की सारी लीप ले ली कि भाई यही विजेता निकल रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि आप लोग ये फोन जरूर से चेकआउट कर सकते हो, आप लोग भाई 25,000 के नीचे एक फोन ढूंढ रहे थे अच्छा मोटोरोला आप लोगों के लिए हो सकता है। और बाकी आप बताओ भाई आपको क्या लगता है ना, और अगर ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस बाय बाय।